नमस्कार, स्पोर्ट्स यारी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चारू पारेख। इंडियन क्रिकेट के किंग विराट कोहली जितने डेडिकेटेड क्रिकेटर हैं, उतने ही डेडिकेटेड बेटे भी हैं। अक्सर अपने परिवार के साथ में वो दिखाई देते हैं और उनका रिसेंटली एक इंटरव्यू का क्लिप सामने आया है जिसमें विराट कोहली अपनी मम्मी के बारे में बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अपनी मम्मी का ख्याल रखना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। यहाँ पर अपनी मम्मी के बारे में विराट कोहली ने कहा है कि टेकिंग केयर ऑफ माई मदर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। अ स्मॉल थिंग दैट मेक्स हर हैप्पी विल मेक मी हैप्पी एज वेल। यानी कि मुझे अपनी मम्मी का ख्याल रखना बहुत पसंद है और मेरे लिए वो बहुत ज्यादा जरूरी है। एक छोटी सी चीज जो मेरी मम्मी को खुश करे वो मुझे भी खुश कर देती है। ऑब्वियसली अपनी मम्मी के लिए हम सब कुछ भी करके बहुत ज्यादा खुश होते हैं, वैसा ही कुछ विराट कोहली का भी कहना है। और विराट कोहली की बात करते चले तो वो एक फैमिली पर्सन कहे जाते हैं। अक्सर कई मौकों पर अपने परिवार के साथ में वो दिखाई देते हैं। भले ही आप किसी मैदान क्रिकेट के मैदान में अगर देखें तो उनकी वाइफ अनुष्का शर्मा अक्सर उनके लिए चीयर करती नजर आती है। वहीं अपनी मम्मी के बारे में भी विराट कोहली अक्सर बात करते रहते हैं। उनके बारे में बात करना, परिवार के साथ में टाइम स्पेंड करना इन्हें बहुत ज्यादा पसंद है। विराट कोहली ने इसके आगे ये चीज भी कही थी कि मैदान में भले ही मेरा गेम कैसा भी जाए, भले ही रिजल्ट मैच का जैसा भी हो, घर जाने के बारे में सोचकर ही मैं बहुत खुश हो जाता हूं और घर पहुंचकर बहुत खुशी मिलती है। इसके बाद में विराट कोहली ने अपने गेम को लेकर के भी यहां पर कुछ कहा है। उन्होंने कहा कि आई ऑलवेज न्यू दैट आई वुड प्ले क्रिकेट फॉर इंडिया एट द टॉप लेवल। यानी कि विराट ने छोटा सा जो क्लिप सामने आया इसमें विराट कोहली ने ये बात भी कही कि आई ऑलवेज न्यू दैट आई वुड प्ले क्रिकेट फॉर इंडिया एट द टॉप लेवल। यानी कि मैं इंडिया के लिए टॉप लेवल पर क्रिकेट खेलूंगा, ये बात मुझे हमेशा से पता थी। तो विराट कोहली को शुरुआत से ही हमने जिस तरीके से खेलते हुए देखा है, काफी ज्यादा डिटरमिंड विराट कोहली शुरुआत से नजर आया। और कहीं ना कहीं वही चीज इनका कहना भी है कि मुझे हमेशा से पता था कि मैं इंडिया के लिए टॉप लेवल पर एक दिन क्रिकेट जरूर खेलने वाला हूं। और यही उनका डिटरमिनेशन, यही क्रिकेट के लिए उनकी शिद्दत उनको इतना आगे तक ले आई है और वो इंडियन क्रिकेट के अब किंग कहलाए जाते हैं। और साथ ही साथ जो परिवार को साथ लेकर के चलते हैं और जिस तरीके से अपने गेम में कहीं भी लैग करते हुए विराट कोहली नजर नहीं आते हैं। लेकिन विराट कोहली की फिलहाल बात करें WTC फाइनल मुकाबले की, तो पहली इनिंग में जो परफॉर्मेंस थी थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग रही। यहां पर विराट कोहली जब टॉप ऑर्डर था, ओपनिंग पेयर आउट होकर के चला गया, उसके बाद विराट कोहली से उम्मीदें थी लेकिन विराट कोहली वहां पर डिलीवर करते हुए नजर नहीं आया, जिसके बाद फैंस थोड़ा सा निराश जरूर हुए थे। लेकिन अब सभी को यही उम्मीद है कि विराट कोहली दूसरी पारी में डिलीवर करते हुए दिखाई देंगे। और सौरव गांगुली जो इंडियन क्रिकेट के फॉर्मर कैप्टन भी रह चुके हैं, वो भी ये चीज कह रहे हैं कि अगर विराट कोहली के सामने, टीम इंडिया के सामने 360-370 का टारगेट होता है तो फिर विराट कोहली चेस मास्टर है, वो आराम से चेस करके टीम इंडिया को जीत दिला देंगे। तो देखना होगा कि क्या वो जीत दिला पाते हैं या नहीं दिला पाते हैं। लेकिन फिलहाल बात करें विराट कोहली के इस बयान के, उनके इस इंटरव्यू की बात करते चलें, तो यहाँ पे विराट कोहली ने अपनी मम्मी के लिए बहुत प्यारी सी बात कही है। उनका यही कहना है कि मम्मी की छोटी सी खुशी मुझे बहुत खुश कर देती है और घर जाने के बारे में सोच करके उनके पास होने के ख्याल से ही बहुत ज़्यादा खुशी मिल जाती है। साथ ही उन्होंने ये भी चीज़ कही है कि इंडियन क्रिकेट में मैं टॉप लेवल पर पहुंचूंगा, ये चीज भी मुझे हमेशा से पता थी। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे विराट कोहली के इस छोटे से इंटरव्यू के क्लिप से सामने आए हैं। और भी कुछ डिटेल सामने आएगी तो वो लेकर के आपके सामने जरूर आएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।